प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल बायो गुरु इज ध्रुव के द्वारा। और अभी जो वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 10th और 12th की एग्ज़ाम नहीं होगी, तो बिना एग्ज़ाम के अभी कोरोना काल की परिस्थितियों के अनुसार ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो उस दौरान बच्चे को ये डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। और ये काफ़ी सारे बातें हुई तो मैं इस वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ कि मुझे बच्चों के द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं फ़ोन करके, सर क्या करें अब, तो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और इसके अंतर्गत आपकी सोच को थोड़ा सा डेवलप कर पाऊं, विकसित कर पाऊं। आप सोचिएगा क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की परिस्थिति अलग होती है, हर बच्चे के विचार अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है एक स्थिति हर बच्चे पर लागू हो। ये आपको आपकी परिस्थिति, आपके माँ बाप का वास्तविक स्थिति, आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा पहला लाइन ये ही होगी और अंतिम लाइन भी यही कि आप चाहें जो कर सकते हैं, बस आप में सच्ची लगन और सोच होनी चाहिए। पर बच्चे कई बार करियर को लेकर, कई बार फ्यूचर को लेकर, कई बार मैं क्या सब्जेक्ट लूं क्या नहीं लूं, मैं सब्जेक्ट ले लूं तो उसके बाद क्या है क्या नहीं है, इस उलझनों में उलझे रहते हैं। तो उस उलझनों को कहीं मैं थोड़ा सा विराम देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपका विचार खुल पाए। देखो, जब हम 10th बोर्ड में होते हैं तो 10th में राजस्थान बोर्ड में देखें तो लाखों कैंडिडेट होते हैं, लाखों में रोल नंबर होते हैं अपने, और इस लाखों में से जब एग्जाम देते हैं तो कुछ बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। ये अपने अपने हिसाब से बच्चों का आंकड़ा होता है। ये आंकड़ा अपने अपने बच्चे एग्जाम देते हैं तब परसेंटेज आता है। आप बोर्ड के एग्जामों के परसेंटेज रिजल्ट देख सकते हैं, स्टैटिक्स देख सकते हैं, वहां ये स्टैटिक्स मिलती है। कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन होते हैं, कुछ मेरिट में भी होते हैं, टॉपर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिल्कुल फेल होते हैं। अब देखिए, ज्यादातर पुराने टाइम से जो स्टडी की गई है उधर से अगर हम बात करें तो इधर से जो बच्चा निकलता है फेल वाला सप्लीमेंट्री दे लेगा तो दोबारा देगा तो सेकंड थर्ड बन जाता है, फेल वाला तो नहीं जाएगा, फेल वाला वापस रीसाइकल करेगा और कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड या फर्स्ट बनाकर दोबारा अपना चूज करेगा। पर सेकंड और थर्ड वाले बच्चे ज्यादातर आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं। ये दो स्ट्रीम में ज्यादातर रेशो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 90% का बच्चा साइंस नहीं लेता, लेता है, बिल्कुल लेता है, पर वो बहुत कम रेशो होता है। मैं रेशो या स्टैटिक्स के आधार पर बात कर रहा हूं। आप उठाकर देखेंगे तो 90% का रेयर बच्चा साइंस नहीं लेकर के कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, पर ज्यादातर एवरेज अगर स्टैटिक्स देखेंगे तो ज्यादातर बच्चा जो टॉपर है वो साइंस की तरफ मूव करता है और जो एवरेज है वो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ करता है। हालांकि आर्ट्स से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स से सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है बच्चा जो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, पर ज्यादातर अगर आप माहौल देखें तो वहां एवरेज बच्चा होता है। और इस एवरेज बच्चे के कारण यहां एक माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं साइंस से रिलेटेड टीचर हूं तो मैं अपने जो ज्यादातर क्लास का स्टडी करी है उन स्टडी में जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया मैं उनकी साइकोलॉजी और उनका एटमॉस्फेयर देख चुका हूं पिछले टाइम पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं उन बच्चों पर फोकस करके ये वीडियो दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जो टॉप बच्चा होता है वो कुछ होता है और उन कुछ बच्चों में से यहां वो बच्चा अपनी लाइन चेंज करता है, लाइन चेंज करता है, जैसे मैथ सब्जेक्ट या बायो सब्जेक्ट या आजकल एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट और चल रहा है तीसरा एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट आपके बच्चे लेते हैं।
इन सब्जेक्टों में क्या है क्या नहीं है बात करते हैं। यहां आपके घोड़े होते हैं। अगर आप बात करें जितना भी टॉप बच्चा होता है उसकी पुराने जमाने की सोच अगर आप उठा करके देखें तो उनमें से ज्यादातर बच्चे घोड़े घोड़े का इन द सेंस जिनके साइंस और मैथ में 100 of 100 होते हैं या इसके आसपास होते हैं वो ज्यादातर बच्चों की सोच होती है मुझे तो मैथ लेना है। और वो अपनी क्षमता वाकई में बात सही है उनमें क्षमता है वो लेते हैं पर यहां सारे घोड़े हैं और घोड़ों के बीच में रेस दौड़ करके टॉप करना थोड़ा कठिन होता है। समझदारी इसमें है कि हम औसत में चलें और टॉप कर जाएं। आपको बिजनेस कोई सा भी करना है काम कोई सा भी करना है पर काम वो चूज करो जहां कंपटीशन ज्यादा नहीं हो जहां आपके ऊपर दबाव ज्यादा नहीं रहे और कम कार्य क्षमता के अंदर भी आप अपने आप को सिद्ध कर पाए वो सबसे सरल और आसान तरीका होता है अपनी जिंदगी को जीने का। तो मैं ये नहीं कह रहा संघर्ष नहीं करना चाहिए कामचोरी की भावना जागृत करने की कोशिश नहीं कर रहा पर आपको एक आसान और सरल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहां घोड़े हैं सारे के सारे तो यहां एक प्रतिस्पर्धा जो है वो उच्च लेवल की होती है और इस उच्च लेवल की होने के कारण यहां टॉप होने के बाद में भी बच्चे फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टॉप होने के बाद में फेल नहीं होते। IITs हैं तो वो कितनी सी हैं कितनी सीटें हैं क्या सभी बच्चे टॉप IITs में जा पाते हैं नहीं जा पाते। तो मैं उन चीजों को छोड़ करके आपको आसान बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बायो और एग्रीकल्चर देखो अभी कोरोना टाइम है और कोरोना टाइम में बायो वाले की डिमांड सबसे ज्यादा हुई है सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन आपने खुद ने महसूस किया होगा पिछले 2 साल में एक इंजीनियर जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो कहीं घर पे बंद हो सकता है पर मेडिकल लाइन वाला बंदा फ्रंट लाइन में आगे खड़ा है। इस मेडिकल लाइन की वजह से उसके काम की वजह से लोगों ने उसे इज्जत भी दी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा गलत कहां नहीं होता गलत हर जगह होता है पर गलत देखोगे तो गलत ही दिखेगा आप अच्छा ही देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा। तो मैं बायो वाले बच्चे की बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्चा जो है इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी है। अभी वैकेंसियों की भी देखें तो वैकेंसियां बायो सेक्टर में बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर हम बाद में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। बायो वाले बच्चे की बात करें तो देखिए ये 11th और 12th 2 साल पढ़ करके मेडिकल लाइन से संबंधित कहीं भी अपना फ्यूचर बना सकता है और इस मेडिकल लाइन से संबंधित मैं इसके फ्यूचर की बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। आपके बायो के अंदर फ्यूचर क्या क्या है इतना सारा है कि मुझे अलग से एक वीडियो देना पड़ेगा मुझे पता है। पर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो यहां एक एवरेज बच्चा होता है एवरेज बच्चा होता है और इस एवरेज बच्चे में अगर ठीक ठाक कोई बच्चा आ जाए तो वो कंपटीशन को प्रूफ कर सकता है और वो आगे चलकर BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। इस BSc एग्रीकल्चर के लिए उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जो आपके जेट होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या ICAR या BHU आपके डिफरेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं CRs जो है वो भी कराती है। तो अलग अलग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो एंट्रेंस टेस्ट कराती है और उनके थ्रू आप BSc एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। और यहां जाने के बाद जैसे अभी गवर्नमेंट की मैं राजस्थान की वैकेंसी की बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वैकेंसी निकली और उसके लिए 4th या 5वीं बार RPSC ने नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर कोई PG डिग्री विद BEd है तो आप प्लीज आइए हम आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का ज्वाइनिंग करा देते हैं। ये 5वीं बार नोटिफिकेशन निकाला था 4th या 5वीं बार। तो आप देखिए यहां इतनी कमी है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन जो जॉब के लिए चाहिए सिर्फ वो है तो आप जाकर के आराम से गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। इतना कंपटीशन बिल्कुल नहीं है कि कहीं आपको हजारों में जाकर एक सीट मिले इतना नहीं है। आप सिर्फ एक औसत तैयारी करके भी अगर इसमें उतरते हैं तो आप जाकर के अपना भविष्य बना सकते हैं। तो मैंने
टेंथ के कैंडिडेटों को इन फ्यूचर आप कहां जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट बिल्कुल खराब है, पर आज के टाइम में वर्तमान में देखा जाए तो आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा उसके आसपास का बच्चा एक औसत बच्चा होता है। कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां बदलता है, कहीं ना कहीं संगत बदलती है, कहीं ना कहीं बच्चे में मेहनत करने की भावना कम हो जाती है, साथ ही वहाँ कम पढ़ाई करना मतलब मेहनत कम होती जाती है तो वो बच्चा तरक्की नहीं करता। सफलता का एक ही स्रोत है, सतत और मेहनत लगातार होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, तब आप सफल हैं, तब आप तरक्की कर सकते हैं। बैठे बैठे आप सोचे मैं सफल बन जाऊं, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको जरूर हमेशा लगातार मेहनत करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट फर्स्ट डिवीजन या कुछ अच्छी परसेंटेज लेते हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट डिवीजन वाला ले सकता है। मेरा एक स्टूडेंट की बात करता हूं जिसने टेंथ में एक एवरेज परसेंटेज थी, ट्वेल्थ में एवरेज परसेंटेज थी, और जब वो पढ़ने की सोचा और वाकई में उसको एक अच्छे टीचर्स ने गाइड किया तो उसने अपने जो कॉलेज था उसको भी टॉप किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर सकते। पहला वीडियो आपको ये बताता है कि आप अगर बच्चा खुद सोच ले मुझे करके दिखाना है तो बिल्कुल कर सकता है। पहला चीज वही डिपेंड होती है, फिर उसके बाद में उसके आसपास की स्थितियां, माँ बाप, गुरु और वातावरण निर्भर करता है कि वो बच्चा कहाँ तक जाएगा। पर उसके बाद अगर हम स्टैटिक्स बात करें तो आपके टेंथ के बाद अगर आप साइंस फील्ड में जाते हैं, टेंथ के बाद साइंस फील्ड में कब जा पाएंगे, जब टेंथ में मेहनत करी और सेकंड और थर्ड या फेल ना हो करके फर्स्ट या उससे ऊपर आ रहे हैं, एक अच्छी परसेंटेज ले रहे हैं, तो आप साइंस फील्ड में जा सकते हैं। और साइंस फील्ड में आपको सतत मेहनत करनी है, आपको लगातार पढ़ना है, आपको आगे तरक्की करनी है। अगर आप ये कर पाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आप देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो दूंगा वो ट्वेल्थ बच्चा जो बायोलॉजी का है वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या स्कोप है, क्या करना चाहिए उसे, मैं उससे संबंधित दूंगा। आप इन वीडियो को लगातार पूरा जरूर देखें तभी आपको समझ आ पाएगा। अगर आप पूरा नहीं देख पाएंगे तो आपको बीच की लाइनें गायब हो जाएंगी और आपको अपूर्ण ज्ञान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद।